हाउ इज आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड, कैसे आरबीआई के गवर्नर को चूज किया जाता है या उन्हें अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए, क्या हम लोग भी बन सकते हैं आरबीआई का गवर्नर, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग के माइंड में है तो बस आप बिल्कुल सही जगह पर है। हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स यही देखने वाले हैं कि आरबीआई का गवर्नर जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज हाउ इज आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड। वैसे अगर देखा जाए तो काफी ये एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो बहुत ही इजीली हम लोग बता सकते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स, आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए जो आरबीआई एक्ट है, जो कि 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके सेक्शन 81A में जो अपॉइंटमेंट है आरबीआई के गवर्नर का वो लिखा हुआ है। और वो क्या है, अ गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो गवर्नर है और जो डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पर कोई एग्जाम्स नहीं देने होते हैं, ये डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन्हें। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो एज सच बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशंस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन नहीं लिखे हुए हैं। जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसके सेक्शन 81A में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से उन्हें जिन्हें भी आरबीआई का गवर्नर बनाना हो वो बना सकती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसे ही बना देती है, किसी को भी बना देती है क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना, कुछ तो क्वालिफिकेशंस गवर्नमेंट भी देखती होंगी। तो वो क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं। देखो एस सच यहाँ पर कोई भी बहुत हार्ड एंड टफ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई काइंड ऑफ एग्जाम नहीं देना है, ना ही कोई प्रोसीजर से जाना है। बस सिंपल सी चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में अपने को होना जरूरी है, राइट। अब जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ये तो नहीं बोल देंगे कि हम साक्षी विश्नोई को आरबीआई का गवर्नर बना रहे हैं। उन्हें जानना जरूरी है ना, मुझे उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है, क्या मैं इस पूरी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को जो है मैनेज कर सकती हूँ, रेगुलेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, राइट। उसके बेसिस पर ही क्या किया जाएगा, उसके बेसिस पर ही जो है आपके जो गवर्नर है उन्हें बनाया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो होती है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किन पर्टिकुलर चीजों को देखती है, क्या जो है वो अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम मान सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो इन चीजों को देखती है कि हाँ अगर ये है एक पर्सन में तो उसे जो है हम गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो हम देखें तो क्या है, शुड होल्ड ग्रेजुएट डिग्री, दैट इज कंपल्सरी। ये एक कंपल्शन है कि ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एक ग्रेजुएशन वाली डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद में आईएएस ऑफिसर, ये कुछ प्रीवियस हिस्ट्रीज में देखा गया है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें जो है ये पोस्ट दी जाती है, तो ये एक एड ऑन है कि अच्छा आप आईएएस ऑफिसर हो तो ये चीज और उसमें ऐड कर रही है कि हाँ आपकी जो है सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन सिर्फ ये है कि एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पार्ट ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक के अगर आप पार्ट रह चुके हो या पार्ट हो तो वो भी क्या बनती है, वो भी एक जो है उसमें एक एड ऑन हम बोलेंगे क्वालिटी बनी है कि हाँ इस ये जो है ये गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर चीज से जो गवर्नमेंट है वो ये बोल सकते हैं कि हाँ हम इन्हें चूज कर ले, ठीक है। फिर है चेयरमैन और जनरल मैनेजर ऑफ अ बैंक, चेयरमैन या जनरल मैनेजर है बैंक के तो वो भी बहुत अच्छी बात है। पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर रेनाउंड इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर, अब इनमें से कुछ ना कुछ होना तो जरूरी है, ये तो कंपल्शन हो गया। इसके अलावा अब जरूरी नहीं है ना कि एक पर्सन में ये सारी हो, वो आईएएस ऑफिसर भी हो, वो आईएमएफ के भी पार्ट हो, वो कोई बैंक के मैनेजर भी हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पार्ट भी हो और कोई इकोनॉमिस्ट भी हो, रेनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हो, अब ये सारी चीजें हो ये तो जरूरी नहीं है ना एक पर्सन में। लेकिन अगर इनमें से एक आदि भी है
तो वो चीज क्या है, वो एक आपके क्वालिटीज में ऐड हुई कि हाँ ये पर्सन जो है वो इतना एक्सपीरियंस्ड है, या इस पर्सन के पास में ये सारी जो है क्वालिफिकेशंस हैं, ये एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्हें जो है हम क्या बना सकते हैं, अपने आरबीआई का गवर्नर बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली चीज है, आरबीआई के गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन है, अगर वहां पर एक सही पर्सन नहीं रहेंगे तो जो पूरी इकोनॉमी है इसमें जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चलेगी, ठीक है। और अगर इकोनॉमी को हमें सही वे में चलाना है तो जो पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसे सही वे में चलाना जरूरी है। तो अल्टीमेटली मॉनेटरी स्ट्रक्चर का एक जो मॉनेटरी सिस्टम है उनके जो हेड है आरबीआई के गवर्नर, उन्हें भी एक सही पर्सन का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अब अल्टीमेटली यहां पर हमें एक और चीज समझ में आती है स्टूडेंट्स की, जब आरबीआई के जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज है कि वो जो आरबीआई के गवर्नर है वो इन्फ्लुएंस होंगे किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब कि जो आपका आरबीआई है या जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही रन नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ में वहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है उनके भी डिसीजंस सुने जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नर को बनाया किसने, गवर्नर को बनाया है गवर्नमेंट ने, और वो गवर्नर को फिर गवर्नमेंट की सुनना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं हम कि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी मॉनेटरी सिस्टम को रूल करती है, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज थी कि आरबीआई के गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नाउ कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या हम बोले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं आरबीआई के बारे में या आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर वॉज मिस्टर सी डी देशमुख, ठीक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी है, मिस्टर सी डी देशमुख की। ये कौन थे, ये थे फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए एक नॉर्मल जनरल सेंस में, ठीक है, कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें थी, ठीक है। The only RBI governor who served as Indian Prime Minister was Dr. Manmohan Singh. जो only governor है जो कि Prime Minister बने, okay? Prime Minister जो है उन्होंने वो उस पोस्ट पर वो थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहे आज तक, वो कौन थे, Dr. Manmohan Singh, ठीक है। फिर आता है सर बेनेग्रल रामा राव सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर फॉर 7 years, द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड, ठीक है। यूजुअली 4 to 5 years का पीरियड रहता है, लेकिन ये जो है इन्होंने जो है 7 years तक गवर्न किया था आरबीआई को, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक जो गवर्नर रहे वो यही थे, ठीक है। कौन, सर बेनेग्रल रामा राव, ठीक है। जो सबसे कम डेज के लिए, जो एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए थे वो कौन थे, वो थे अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष सर्व्ड एज आरबीआई गवर्नर फॉर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड, दैट इज फॉर 20 days। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 days के लिए जो है आरबीआई के गवर्नर के पोस्ट पर रहे, और आरबीआई के गवर्नर के थ्रू जो है मतलब वो उस वे में उन्होंने सर्व किया था कंट्री को, ठीक है। दिस वॉज जस्ट फॉर 20 days। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, आई होप सो कि आप सभी को पता है और पता होना भी चाहिए, दैट इज श्री शक्तिकांता दास, ठीक है, ये जिनके आप पिक्चर देख रहे हो। तो आज के प्रेजेंट के जो गवर्नर हैं वो ये हैं, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आरबीआई के गवर्नर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।